लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन घोर निराशाजनक रहा, जहां उनके सांसदों की संख्या साल 2014 के 34 के मुकाबले इस बार घटकर 22 रह गई। वहीं पार्टी के इस खराब प्रदर्शन का विश्लेषण भी शुरू हो गया है। वहीं इस बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मिली करारी शिकस्त पर इस्तीफे की पेशकश की। ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कविता को शेयर किया है। उन्होंने बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कविता को शेयर किया। मैं नहीं मानती शीर्षक से लिखी गई इस कविता में ममता ने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष तौर पर सांप्रदायिकता फैलाने और धर्म के उग्र स्वरूप को बेचकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत। जीत के बाद ममता बनर्जी का ट्वीट। ममता ने लिखा, मैं नहीं मानती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी भले ही ममता के गढ़ को जीतने में सफल रही हो, लेकिन ममता बनर्जी की तेवरों में कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने ट्वीट पर एक कविता साझा करते हुए बीजेपी के लिए एक व्यंग्य किया है। मैं नहीं मानती शीर्षक वाली इस कविता के जरिए ममता ने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष तौर पर सांप्रदायिकता फैलाने, धर्म के उग्र स्वरूप को बेचकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मैं नहीं मानती सांप्रदायिकता के रंग में मुझे नहीं है विश्वास। सभी धर्मों में है उग्रता, नम्रता। मैं हूँ नम्र जागरण की एक सहिष्णु सेविका। उत्थान हुआ जिसका बंगाल में, विश्वास नहीं मुझे सामिक उग्र धर्म बेचने में। मेरा विश्वास है मानवता के आलोक से आलोकित धर्म में। धर्म बेचना है जिनका ताश, धर्म पहाड़ पर है पैसों का वास। मैं रथ हूँ निज कर्मों में, कर्महीन हो तुम सब। इसलिए बिकता है उग्रता का धर्म, विश्वास है जिन्हें सहिष्णुता में। आइए जागृत कीजिए संवेद सभी आइए। जब वसुधैव कुटुंबकम तो क्यों है ये हिसाब किताब। उग्रता है जिनकी अभिलाषाएं। आपको बता दें कि निजी जीवन में ममता बनर्जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवित्री, पेंटर और म्यूजिशियन भी हैं। चुनाव नतीजों से पहले ममता ने फेसबुक पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो सिंथेसाइजर बजाती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही कई बार उनको पेंटिंग बनाते हुए भी देखा गया है। 2014 में बंगाल में टीएमसी को 34 सीटें हासिल हुई थी, जबकि इस बार पार्टी को सिर्फ 22 सीट मिली है। जबकि बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों का शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय पताका फहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।